तुम करते थे गंदा काम इसलिए पूजा लेती थी, पूजा देते थे पूजा लेती थी। अब वो रात को 12 बजे हमें अटैक करती है बाबा। चलो हम ऐसा बेटा, गंदी पूजा करते थे सही मान करके, गलत को पूजते थे तो क्या होगा? वही तुम्हारा काट के ले गई लिंग सूक्ष्म में, वही तुम्हारा लिंग काट के ले गई सूक्ष्म में। जिसकी पूजा तुम करते थे सूक्ष्म में, वो काट के ले गई तो तुम्हारा लिंग सड़ने लगा स्थूल में। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भोलेनाथ मेरा परिवार बचा दो बाबा। बच गया परिवार, अब क्या है, दरबार में आ गए, बच गया बाबा। दिन नहीं तो तुमको तो सीधे ब्रेन स्ट्रोक लगता। नहीं मुझे मार रहा है अब भी कोई बाबा। कह तो रहे हैं तुम्हें सीधे सबसे पहले लगता ब्रेन स्ट्रोक, और सीधे पैरालाइज होके पड़ा रहते घर में, पैरालाइज होते तुरंत। पागलों की स्मृतियाँ थी, पागल कर रहे थे सब तुम्हें। बैठ के उठने में समस्या होने लगी थी, मोटर नर्व तुम्हारी डैमेज हो रही थी, MND हो रहा था तुम्हें, कूल्हे में सड़न, वॉल्व श्रिंक हो रहे थे हार्ट के, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ हैं अभी भी बना हुआ है, डर लग रहा है। तुम क्या आसमान से टपके हो क्या, तुम्हें डर बना हो? देखो आँख बंद करके, लग रहा है कोई मृत्यु का भय? झूठ बोलो तो ऐसे पिटो खड़े खड़ो करके। आँख खोलिए, लग रहा कोई मृत्यु का भय? मृत्यु का भय नहीं, सांस फूल रहा है बहुत। सांस फूलना अलग चीज है, मृत्यु का भय लग रहा है तुम्हें अभी भी? नहीं। तो क्यों बोल रहे थे झूठ, मृत्यु का भय लग रहा था? ऐसे टंगे थे, ऐसे सूच में ऐसे बंद के टंगे हुए थे तुम, और तुम्हारा परिवार इसी तरह से। दरबार आए तो बाहर हो, सूक्ष्म में तुम्हारा लिंग कट गया था इसलिए स्थूल में लिंग तुम्हारा सड़ रहा था जी। समझ गए? अभी दरबार ने ठीक किया है जी। पागलों की स्मृतियाँ थी इसीलिए बता रहे हैं, श्वास फूलना, किडनी में सड़न होना, क्यूरेटर में पस, पेशाब करने में कष्ट, बोन मैरो दूषित, घुटनों में पस, ब्रेन में ट्यूमर्स, ऐसे ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, ऐसे देख लो चित्र अपना, और कैंसर बन रहा था लीवर में, गुदा द्वार में, मुंह में, जीभ में और खून में, इतनी जगह कैंसर बन रहा था। ये सब स्मृतियाँ नष्ट हुई, कुछ भी शेष नहीं बचा, बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती। हाँ वही तो कह रहे हैं, गंदगी बहुत थी, थोड़ी गंदगी थोड़ी थी, बहुत गंदगी थी, भीषण गंदगी थी, सीधे मौत दिखाई देती थी सामने, सीधे मृत्यु। अब ऐसी स्मृति जो गुरु मंत्र में मेरे ऊपर आके पूजा ले गई, पता नहीं क्या तुम करते थे गंदा काम इसलिए पूजा लेती थी, पूजा देते थे पूजा लेती थी। अब वो रात को 12 बजे हमें अटैक करती है बाबा। चलो हम ऐसा बेटा, गंदी पूजा करते थे सही मान करके, गलत को पूजते थे तो क्या होगा? हे भगवान भोलेनाथ उसे हटा दो बाबा, जीवन भर के लिए आजीवन। जो जिसकी पूजा करते थे वही तुम्हारा काट के ले गई लिंग सूक्ष्म में, वही तुम्हारा लिंग काट के ले गई सूक्ष्म में। जिसकी पूजा तुम करते थे सूक्ष्म में, वो काट के ले गई तो तुम्हारा लिंग सड़ने लगा स्थूल में। जो अंग सूक्ष्म शरीर से गायब हो जाएगा वही अंग स्थूल शरीर में सड़ने लगेगा, ये विज्ञान है। इसीलिए पितृ जो अंग खा जाते हैं वही अंग आपका सड़ने लगता है स्थूल शरीर में, आपके इस बॉडी में। सूक्ष्म में खा जाते हैं, यहाँ तो खा नहीं पाते हैं, कोई स्थूल तो है नहीं कि चबा जाएंगे, तो अंग पूरा दिखता रहेगा लेकिन सड़ता रहेगा, क्योंकि वो खा गए सूक्ष्म में। अगर सूक्ष्म में तुम्हारा हाथ खा गए तो स्थूल में तुम्हारा एक हाथ सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, सूखने लगेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अगर सूक्ष्म तुम्हारी आँखें खा गए तो स्थूल में तुम्हारी दोनों आँखें सड़ने गलने लगेंगी, फूट जाएंगी। यही तो विज्ञान है। दरबार क्या करता है, सड़ी गली आँखें अलग निकाल के सुश्रुत क्या करते हैं, सूक्ष्म से निकाल करके और नई लगा देते हैं फिर से, तो फिर से आपका नया हो जाता है अंग। और क्या विज्ञान है, ये डॉक्टर्स कहते हैं, अरे जो अंग सड़ गल गए दोबारा नहीं बनते एसेंशियल ऑर्गेन्स। क्यों नहीं बनते एसेंशियल ऑर्गेन्स? देखो हजारों लोगों को रोज बनते हैं एसेंशियल ऑर्गेन्स, नए हो जाते हैं, नई किडनी, नई लीवर, नए हार्ट, नए लंग्स, नए ब्रेन, क्यों हो जाता नया? सूक्ष्म में अगर नष्ट हो गया है तो स्थूल में नष्ट होगा, ये विज्ञान है। अगर सूक्ष्म में सही कर दिया जाए, नया कर दिया जाए तो स्थूल में नया हो जाएगा, इसमें कौन सा दिक्कत है? यही तो विज्ञान है। तो सब गंदगी गई, सब पेशी वेसी गई तुम्हारी, जिसकी तुम पूजा अर्चना करते थे। आँख बंद करो, प्रार्थना करो बाबा से बोल के कि जिसकी पूजा अर्चना करते थे इसको बाबा नष्ट कर दिया जाए। जिसकी मैंने पूजा गलती से की है
है, किसी ने करवाई है, उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए और हमारे DNA से अलग किया जाए, प्रहार, संकल्प पूरा कर दिया जाए, नष्ट कर दिया, दरगाहों मजारों गंदगी सब नष्ट कर दीजिए, यानी कहाँ कहाँ तो गए हो, बहुत भटका हूँ गुरुदेव, इसीलिए तो सब जगह गंदगी लाए हो, आँख बंद करो, सब नष्ट कर दिया जाए पीछे का, विश्व 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख खोल लो, बंधन खींचो 5 बार, बिल्कुल मस्त। एक विनती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति को नीचे कर दो बिल्कुल, हमें मतलब बहुत परेशानी होती है, अभी बंद कर देते हैं, हमें क्या दिक्कत, लोग कुंडलिनी खुलवाते हैं तो बंद करा रहे हो, पहले आदमी मिले हो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, इनकी कुंडलिनी निष्क्रिय बंद कर दीजिए, आंख बंद खोलो, लो निष्क्रिय हो गई, और बताओ, कृपा रखना बाबा परिवार, कृपा ये पूरा, अब तुमने कुंडलिनी बंद करा ली, अब रोग कैसे निकलेंगे तुम्हें, नहीं रोग कैसे निकलेंगे, अब इतना तो ज्ञान नहीं है गुरुदेव हमें, तो काहे ज्ञानी बन रहे हो फिर, अपने आप ये कर दो वो कर दो, तुम डॉक्टर को बताओगे कि लीवर निकाल लो हमारा, कि आते निकाल लो, हमारी आंखें निकाल लो, माफ करना गुरुदेव, जो गड़बड़ होगा वो निकाला जाएगा, तुम सही चीज निकलवा दी तुमने, जो आपको ठीक, अब तुमने कुंडलिनी बंद करा दी, जो एनर्जी है उसी बंद करा दी तुमने गुरुदेव, जो आपको ठीक लगे वो कर दो, माफ करो गुरुदेव, आंखें बंद करो, कुंडलिनी सक्रिय, बैलेंस, पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, 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 आँख खोल लो, बंधन खींचो 5 बार, खुश प्रसन्न मस्त रहो, अब वो करना महावन, अच्छा दरबार की ओर से लेना एक महावन पर्ची, गुरुदेव घर में कोई नहीं है, किसी को छोड़ के आए हैं, नहीं सुनो तो, कई लोग रखे DNA में, 5 लोग हैं, 5 यही हैं, ठीक चले जाना, लेकिन फिर जब आना तो अपने को रखना और 2 लोग और रखना परिवार के, बाबा मेहरबानी होगी अभी करा दो, तो कर लो, वही तो कह रहा हूँ, तब तुम कह रहे हो घर में कुछ है, तुम यार दो तरफा बातें क्यों करते हो, सुबह ही कर लो भैया, अभी पर्ची लो सवेरे, निःशुल्क है उसमें, क्या दिक्कत है, निःशुल्क वहाँ कर लो बेटा, 3 लोग रखना उसमें अपने साथ में, 2 लोग, ठीक